हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और फॉलो करना है। और आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा सैड है, क्योंकि जो है क्या होगा आप लोग को चलते व्लॉग में पता चल जाएगा। और आज संडे था, पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा। वैसे तो हर दिन ही ऐसा होता है, बिजी गुजरता है। तो अभी रात के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, 10 बज गए हैं। तो मैं जो अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ, और मामा लोग कहीं गए हुए थे तो मामा लोगों से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, नानों से मिलते हैं। हमारे नानों तैयार होके कहीं गई हुई थी फंक्शन पे, और उधर से आई हैं, और नानों जो है ना परेशान हो गई हैं, है ना। यहाँ सबसे पहले नानों से मिलो। हाँ जी, उधर गए तो उधर खाना वाना हमने खा लिया कर गई। हाँ, मम से नहीं आला अपने भाई के घर, तो उधर खाना वाना खा लिया तो बाहर बच्चे खेल रहे थे, और पिंची को प्रिंसेस लगी। मैं भी रो रही थी, मारिया रो रही थी, और उसको स्टिच लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं सर पे, और सर पे बहुत गहरी चोट लग गई है। हाँ, और अभी उसके परेशान हो गई। हाँ, चलो भाई, आप सबने दुआ करनी, खुदा ने उसको तंदुरुस्ती दे। वैसे भी जाकर होकर आते हैं। वैसे मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसकी आज 8 तारीख थी, बर्थडे थी। मामू ने केक पहले से ला कर रखा था, कहा था आके कट करेंगे ना, तो मामी कहती उसको अच्छा सा तैयार करके तो फ्रॉक बना के केक कट करेंगे। उसको चोट लग गई तो फिर वैसे ही कट के, तो वो फिर कह रहे थे सुमन दीदी के पास केक कट करना है। तो अभी मैंने वीडियो बनाई है, बीच में आपको वो भी दे दूँगी, आप लोग वो भी देखिएगा, ठीक है। और बाकी प्रिंसेस के लिए ढेर सारी दुआ करिएगा। पापा लोगों से जाके मिलते हैं, क्योंकि पापा लोग भी गए हुए थे बड़े ताए के घर पे, उनकी भी सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल एडमिट थे। आप सब ने उनके लिए भी दुआ करनी है, खुदा उनको भी तंदुरुस्ती दे, है ना अम्मा। मामा लोग अभी आ गए, और नानू जो है ना थोड़ी परेशान हो गई प्रिंसेस की वजह से, उसको सर पर चोट लगी और स्टिचेस भी आए हैं, टांके लगे हैं, और आइज़ पर भी उसको चोट लगी, उसका फेस सारा स्वेल हो गया। और मिशेल आप जो मासूम आई लोग की तरफ गई थी, और ये पहले ही आ गई थी ना, और इसने व्लॉग बनाया, इसका गला खराब बेचारी का हो गया। नहीं, इसका गला थोड़ा सा बंद हो गया, भाई इसकी नकल उतार रहा है। और मियल चलाओ वो प्रिंसेस लोग के घर पे। मामी मुझे कह रही थी आ जाओ, मैंने कहा मैं खाना, हाँ अभी थे, अभी गए हैं, पर फिर भी प्रिंसेस कह रही थी दीदी को बोलो हमारे घर आ जाए, तो उधर चलते हैं थोड़ी देर देख कर आते हैं। अभी सोए नहीं है, नहीं सोए। हाँ, मामू बेचारे थक गए थे सुबह से, कभी इधर कभी उधर। हाँ, मामी की भाभी का ना बेटा हुआ है, तो वो हॉस्पिटल एडमिट है। सब आप लोगों ने देखी होगी छोटी, तो आप लोग उसके लिए भी दुआ करिएगा, हॉस्पिटल है वो। बेबी उसका माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ठीक है, और उसकी खुद की तबीयत ख़राब है, उसका ऑपरेट हुआ है। तो सनिया मामी लोग तो सुबह हॉस्पिटल गए थे, और जो है दोपहर को वापस आए। हाँ, तो फिर वो मासों की तरफ गए थे। और इधर मामी कुछ सोच रही है। हाँ जी, हेलो, हंस रही है, हिल गई है। मामी इधर सलाम दुआ तो लो। यहाँ मिशल हो गई है पागल, इसके दांत निकल रही है, देखो जरा अंगूठी चेक करो। यहाँ पापा लोग गए हुए थे ताए लोगों के घर पे, और अभी ताए की तबीयत कैसी है? ठीक है, दुआ करनी है। पापा की आज में फ्लश लग रहा है, और पापा की आज बंद हो रही है। आमीन। अब मैं पापा कह रही हूँ इसको चोट लगी, चलाओ होकर आए, और अभी चलते हैं। यहाँ लिया दिया सो गई, और मामा जो है ना मोबाइल से लगी हुई है, पता नहीं क्या कर रही हैं। मामा क्या कर रहे हो, इधर बोलो तो सही। केड़ा कर लिए, मैंने किचन भी साफ कर लिया, खाना भी बना लिया है। हम लोग आ गए सनिया मामी के घर पे, प्रिंसेस जो है ना वो सो गई है ना, और वो उसको जो है ना चोट बहुत ज़्यादा लग गई, और पहले तो मामी से मिला, बर्थडे वाले दिन ही उसको चोट, उसको चोट लग गई है। सलाम दुआ तो लो। हेलो जी, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ना थोड़ी टेंशन में नहीं, बहुत टेंशन में। मामी मुझे फ़ोन करी थी, और इतना रोए जा रही थी, कर थी प्रिंसेस को चोट लग गई। टेंशन थी कुछ, आपको पता मेरी भाभी हॉस्पिटल में है, तो कुछ भाभी के लिए टेंस थी, तो आप सब ने ना मेरी भाभी के लिए प्रे करनी है, और प्रिंसेस के लिए भी,
बहुत सारी प्रे करनी है कि खुदा इन दोनों को जो है ना तंदुरुस्ती सेहत दे। प्रिंसेस से आपको सुबह मिलवाएंगे क्योंकि अभी वो सो गई है। भाभी के घर न्यू बॉर्न बेबी आया है तो मैंने बताया उसके लिए भी प्रे करनी है और भाभी के लिए भी कि खैर खैरियत से जो है ना बेबी और भाभी दोनों खैर खैरियत से घर पे आए फिर हम भी व्लॉग बनाएंगे। हाँ उसको ऑपरेट हुआ वैसे तो तीन दिन बाद छुट्टी होगी पर उसकी तबीयत खराब है ज्यादा तो जब मेरी भाभी घर पे आ जाएगी तो फिर हम उसके लिए वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और इधर ये फेरी जो है ना ये सो नहीं रही और ये देखो मेरी शर्ट खींच रही है दूध मामी ने ये मोटर लगाई पानी भरने के लिए। मैं पूछ रही हूँ पानी मीठा आ रहा है कि दूसरा मामू जो है ना वो जाग रहा अभी और प्रिंसेस जो है ना वो सो गई है। हाँ थोड़े का ज्यादा परेशान हो गए मामू को देख रही थी बच्चों को लेकर भी वैसे परेशान हो जाते हैं। मामा नाना मुझे आके बता रही कह रही मैं तो रो रही थी मैं तो कुड़ी का खून वेख के बहुत रो रही सा मां इतना रोने लगी मैंने तो जोर जोर से चीखी मारने शुरू तो उसका ब्लड बहुत मैंने और मार गाने पर वो इतना रोई है बिल्कुल इतना रोई तो उसको चोट इतनी ज्यादा लग गई थी बुरे तरीके से चोट अभी दिखाते अंदर जाके वो सो रही है क्योंकि जो काम खुदा दुआ के जरिए करता है ना वो हम डॉक्टर से भी नहीं करवा सकते। सही बात है तो नहीं कह रही थी मैंने सुमन दीदी के पास जाके सोना है केक भी उधर ही काटना है थे ना मारिया के घर से। हाँ ऐसी कह रही थी मुझे अपने घर में लेके जाना मुझे सुमन दीदी के पास लेके जाना तो शाहरुख लोग उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे वो उसको दिए तो सारे पैसे भी मुझे पकड़ा दिए। विकास कह रहे थे पैसे मम्मा को दे दो जो भैया लोगों ने दिए तो कह रही थी मैंने सारे सुमन दीदी को देने ले लूंगी सुमन दीदी से मैंने नहीं बताया ना कि सुमन ने मुझे दिए नहीं सारे पैसे मुझे पकड़ा दी मैंने मामी को दे दिए थे पर वो कह रही थी दीदी आप सारे पैसे पास रखना कलम पार्टी करेंगे 100 रुपए की कह रही थी सारे पैसे नहीं लगाएंगे बस 100 रुपए लगाएंगे उसको पता 100 रुपए की पार्टी होती है। इधर ये पिंचू है ये सोती नहीं है चल सो जा आ जा चले सारे बच्चे सो नाराज हो गए सारे सो गए और ये नहीं सो रही। हाँ मैं भी अपने बेबी को दूध बना के दूंगी सो जाएगी है ना। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई प्रिंस को केक खिलाओ खा ले कोई बात नहीं चलो ये चलो केक खा ले मुझे खिला ले बस दियो को भी खिलाओ अच्छा है नहीं हुआ यहाँ पे प्रिंसेस को गिफ्ट भी मिले हैं इतने प्यारे प्यारे। यहाँ जो है मैं वापस आ गई उधर से प्रिंसेस सो रही थी मामू भी सो रहे थे फिर वीडियो नहीं बनाई थी मामी नानो पापा मिशेल आपकी और भाई यहाँ सब लोग बैठ के गपशप कर रहे हैं कुछ बात था ना। पापा जी आप होल से होकर आ गए माइयों का खुरा क्या गए नहीं गए सही है क्या बात आवाज नहीं करो आप नाटक कर रही है गाइस ये बहुत बदतमीज़ हो गई है ये भाई के साथ रह रहा है कि इसको भाई तमीज़ इसको सिखा दो थोड़ी। हाँ भाई इसको सुबह तमीज़ सिखानी है सही है भाई अंदर मैं सुबह कहती है ना मतलब मैं तमीज़ नहीं सिखा सकता। तो व्यूअर छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना फॉलो करना मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाफिज पापा जी अल्लाफिज करो अम्मा बाय 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 बाय।